रविवार को जम्मू प्रशासन की तरफ से चलाए गए अतिक्रम के खिलाफ कार्रवाई पर आज बठिंडी के लोगों के द्वारा वेब मॉल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिलाएं भी नजर आई और प्रदर्शन के खिलाफ साथ ही साथ नारेबाजी भी की गई। इस दौरान जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कड़ा जोर लगाते हुए उन्हें हटाने का प्रयास किया। इस दौरान लोगों का कहना था कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो प्रशासन जानबूझकर लोगों को परेशान करने के लिए इस तरीके के काम कर रहा है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से कल ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक्स पर पूरा सहयोग देने की बात की गई है। आपको बता दें कि कश्मीर के एसोसिएशन प्रधान ने ये साफ किया है कि वे भी स्कूल बसेस के चलने पर रोक लगने की बात कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से नई नई नीतियां निकाली जा रही हैं, वे साफ कर रहा है कि जम्मू कश्मीर का ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। आज ओबीसी मोर्चा के लोगों के द्वारा एक तिरंगा अधिकार रैली को निकाला गया। आपको बता दें कि ये रैली जानीपुर से होकर जम्मू के प्रेस क्लब तक पहुंची और इस दौरान जो है लोगों का कहना था कि ओबीसी के लोगों को जल्द से जल्द आरक्षण की सुविधा दी जाए। इसी के चलते जो है इन्होंने ये साफ किया कि अगर जल्द से जल्द इनकी इस मांग को पूरा नहीं किया जाता तो मजबूरन इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आज 3 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। बता दें कि ये वर्कशॉप राज्य फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू की गई है। इसका मकसद है कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स जो कि म्युनिसिपल काउंसलर्स हैं उनके लिए वहां पर चलाए जाएं और उन्हें इसके बारे में जानकारी दी जाए। इस मौके पर अगर बात करें तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर मौजूद रहे और उन्होंने भी इस पूरे फैसले की हौसला अफजाई की। जम्मू एंड कश्मीर एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के द्वारा इस साल भी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जो जम्मू के गांधीनगर टीचर्स भवन में 3 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। और इस बार भी अगर खास बात देखी जाए तो इस साल भी महिलाएं जो हैं वो इसमें हिस्सेदारी लेती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ इस मौके पर अगर ये कहा गया है कि उम्मीद है कि लोग इसमें पहुंचकर अपना बढ़ चढ़कर सहयोग देंगे। पूरे जम्मू कश्मीर की तरह जिला पुंछ में भी विलेज डिफेंस कमेटी बनी हुई है। इन लोगों का कहना है कि हमने 1995 से लेकर आज तक सिविल डिफेंस कमेटी के हथियार से गांव की रक्षा करते आए हैं और आज भी करते हैं, लेकिन हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। जैसे जम्मू कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्ट में तनख्वाह दी जाती है, इन लोगों ने भी मांग की है कि इन्हें भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के द्वारा आज जम्मू में एक प्रेस वार्ता की गई है। इस प्रेस वार्ता के दौरान आपको बता दें कि जम्मू पुंछ लोकसभा सीट के उम्मीदवार अमित कपूर का कहना था कि आम आदमी पार्टी ट्रांसपोर्टर्स का पूरा साथ दे रही है। उनका कहना है कि ये एक सवाल जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना से उठता है, क्योंकि वह कहते हैं कि इलेक्शंस के बाद जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त बिजली पानी दिया जाएगा, परंतु आज जब इनके सारे टैक्स माफ करने की बात आ रही है तो टैक्स क्यों नहीं माफ किए जा रहे। जम्मू एंड कश्मीर खिदमत बैंक सेंटर एसोसिएशन के द्वारा आज श्रीनगर में एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है इन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इन्हें जो है परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी के तहत सेटल कर दिया जाए। इस दौरान इन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से ये जो लोग हैं परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, परंतु कोरोना के कारण जो है इनकी ये मांग दबी पड़ी रही। अब एक बार फिर इस मांग को लेकर ये सड़कों पर उतरे हैं। बनिहाल चपनरी पंचायत के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में ग्रामीण ट्रांसपोर्टरों और छात्रों ने बांटुक से लतबा रोड को तत्काल ब्लैक टॉपिंग और मरम्मत के लिए विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है महिलाएं भी इसका हिस्सा बनती हुई नजर आई है। विरोध प्रदर्शन के बाद ही जल्द से जल्द आर्यन रेलवे ने कल से काम शुरू करने का आश्वासन दे दिया है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ में डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में बैडमिंटन गेम्स का टूर्नामेंट शुरू करवाया गया और इस मौके पर एसएसपी पुंछ ने रिबन काट कर इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस टूर्नामेंट में जिला पुंछ के बहुत से बच्चों ने भाग लिया। एसएसपी पुंछ का कहना है कि इस टूर्नामेंट का महत्व यही है कि हमारे बच्चे नशे से दूर रहें और खेलों के प्रति उनकी रुचि बढ़े। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसलिंग की पीयर टीम ने तीसरे चक्र के लिए कॉलेज को फिर से मान्यता देने के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा का 2 दिवसीय दौरा किया।
नेकपियर टीम के अध्यक्ष प्रोफेसर गोपाल कुमार निरोला, क्षेत्रीय कुलपति सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय इसमें शामिल नजर आए। आपको बता दें कि इस दो दिवसीय दौरे में पहले दिन टीम ने पूर्व छात्रों, अभिभावकों, उच्च शिक्षा विभाग और कश्मीर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों समेत कॉलेज के सभी हितधारकों से बातचीत की और दूसरे दिन कॉलेज के छात्रों से बातचीत की गई है।